नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिजिटेक की एलईडी रिंग लाइट को, जो कि है 19 इंच की। तो आज हम देखेंगे कि हमें इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है, इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइसिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है, उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन पर आते हैं, इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे खोल देते हैं। तो यहाँ पर ये खुल गया, जब भी ऑर्डर किया था तो ऐसे आया था, इसमें कोई बॉक्स वगैरह कुछ नहीं आया था जैसे यहाँ ऑर्डर किया था। तो ओके, यहाँ पर हमें बॉक्स में, तो बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर है हमारे पास एक बैग डिजिटेक की, यहाँ पर आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बैग के अंदर हमारी लाइट जो है वो रखी हुई है। तो चलिए अब लाइट को देखते हैं। बैग की क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है कैरी करने के लिए, आपको कहीं भी आप आसानी से इजीली कैरी कर सकते हैं। वैसे इसकी वेट जो है वो 1 kg के आसपास इसका वेट है। तो यहाँ पर हमारी रिंग लाइट जो है वो, यहाँ के बाद हमारी रिंग लाइट, तो इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। ये हमें ट्राइपॉड वगैरह लटकाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा चार्जर यानी कि यहाँ पर एक पावर अडेप्टर, इसका स्विच जो आप इसे लगाकर ही आपकी जो लाइट है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में, ये दो भी रख देते हैं साइड में। ये हो गई रिंग लाइट। तो सबसे पहले अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, मतलब इसकी जो लाइट है वगैरह वो सब हम बाद में देखेंगे। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी ब्राइटनेस के ऊपर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलती है देखने के लिए। यहाँ पर हमें दो बैटरी के कंपार्टमेंट मिलते हैं, आप यहाँ पर दो बैटरीज लगा सकते हो। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर हमें दो बैटरी लगाने के लिए स्लॉट्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल होल्डर आप लगा सकते हो, यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर भी आता है। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर भी एक दिया हुआ है और एक हमें शायद नीचे भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर अपना जो मोबाइल है उसे होल्ड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पर। तो यहाँ पर आपको आपकी जो लाइट है उसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिलता है, ये यहीं से डायरेक्ट आप उसे डायरेक्ट ब्राइट ज़्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्यूअल मिल जाता है, यानी कि आपको कौन से ब्राइटनेस कैसा चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए या फिर अलग जो इफेक्ट्स आते हैं वो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से उसका जो ब्राइटनेस है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3200 के से 5500 के तक आपको यहाँ पर ब्राइटनेस जो हो इसका मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी तो मुझे बहुत पसंद आ गई वैसे तो। अगर आप परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें फीचर मिलता है, सबसे पहले हमें इनपुट मिलता है वो 110 वोल्ट 220 विथ 50 हर्ट्ज के साथ हमें मिलता है। आउटपुट जो है वो 55 वॉट का आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। इसके ल्यूमिनियस आप हमें 500 LM मिल जाते हैं। LED बल्ब यहाँ पर हमें 416 LED बल्ब, यानी कि उसमें लाइट के अंदर आपको LED बल्ब जो है वो 416 आपको छोटे छोटे LED बल्ब आपको अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आप एडजस्टमेंट रेंज, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर हमें स्टेपलेस एडजस्टमेंट मिलते हैं, आप जैसे भी चाहो आप उसे कलर जो एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसके कलर टेम्परेचर जो है वो 3200 के से 6500 के तक आप उस कलर को एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर बैटरी। तो यहाँ पर आपको बैटरी, यहाँ पर जो बैटरी के दो हमें कंपार्टमेंट मिलते हैं, तो यहाँ पर जो बैटरीज को सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट के यहाँ पर हमें नंबर दिए NPF550 या उसके बाद है 750, उसके बाद है 960। लीलॉन की बैटरी यहाँ पर उसको सपोर्ट करेगी। तो अगर आप अपने उसको रिंग लाइट को अगर बैटरी परचेस करना चाहते हो तो इसी मॉडल नंबर की बैटरी जो है आपको परचेस करनी पड़ेगी। उसकी फ्लैश इंडेक्स आपको RA80 तक आपको मिल जाएगी। इसके बैटरी कंपार्टमेंट है उसमें, इसका जो डायमीटर है वो 355 mm, आउटर डायमीटर 480 mm। इसकी वेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेट 1.18 kg, 1 kg के आसपास आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर सामने की तरफ इस बॉक्स में बात करोगे तो यहाँ पर हमें इस रिंग लाइट के साथ आप जब भी आप शूट करोगे तो इसमें साइड में रख देता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने इस रिंग लाइट के साथ कहीं पर शूट कर रहे हो या फिर फोटो शूट कर रहे हो या फिर वीडियो शूट कर रहे हो,
तो आपको पीछे बैकग्राउंड में इसका शैडो है वो यहाँ पर शैडो आपको बहुत ही कम यानी कि मोस्टली दिखेगा ही नहीं, जो शैडो पीछे आता है जैसे आप कोई भी अदर लाइट यूज करते हो तो पीछे शैडो आता है, वैसे शैडो आपके वहाँ पीछे देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर उसका एक अच्छा एडवांटेज मिलता है। और ये जो रिंग लाइट है, ये रिंग लाइट है 19 इंच की, तो यहाँ पर आपको आप एसी और डीसी दोनों भी कनेक्शंस पर आप यूज कर सकते हो। अगर आप बाहर शूट कर रहे हो आउटडोर तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होते तो वहां पर आप डायरेक्टली बैटरी लगाकर जो अपने रिंग लाइट है उसे डायरेक्टली बैटरी के थ्रू यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमें बहुत सारे वर्जन देखने के लिए मिलते हैं इंचेस में, तो आप अगर 18 इंच का लेते हो तो वहां पर आपको बैटरी कंपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर जो बैटरी का यूज है वो वहां पर करने के लिए नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली उसे पावर प्लग पर लगाकर ही आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 19 इंच की लेते हो तो वहां पर आप डायरेक्टली बाहर आउटडोर शूट भी कर सकते हो, वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी, वहां पर आप डायरेक्टली बैटरी यूज करके अपने रिंग लाइट जो है वो यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली अगर लेना चाहते हो तो आप 19 इंच की ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 18 इंच की लेना चाहते हो तो वो आपको मिलेगी अराउंड 3,300-200 के आसपास मिलेगी, और 19 इंच की जो है वो आपको मिलेगी अराउंड 3,600 के आसपास आपको मिल जाएगी। अभी ऑफर शुरू है, आप ऑफर में भी ले सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे पसंद है तो मुझे बहुत ये जो लाइट है वो बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसके हम चालू करेंगे, इसके बाद में हम इसे टेस्ट करेंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे टेस्ट करने पर, तो आपको वहां पर भी उसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि हमें इसे कैसे यूज करना है, उसके स्पेसिफिकेशन या फिर हमें उसमें कलर वगैरह कैसे चेंज करना है, उसके बाद हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना आप कौन सी परचेस करना चाहोगे, 18 इंच या फिर 19 इंच, ज्यादा डिफरेंट नहीं दोनों में, एक 500 रुपए तक उसमें डिफरेंस रहता है। तो दोनों भी अच्छे, लेकिन आपको 18 इंच में थोड़ा सा शेडो देखने के लिए मिलेगा बैकग्राउंड में, अगर आप 19 इंच लेते हो तो आपको वहां पर शेडो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो अगली वीडियो में हम इस रिंग लाइट को यूज करेंगे, तब आप मुझे बता देना कि आपको अभी की वीडियो में और अगली वाली वीडियो में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।